किसान भाइयों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्रीकल्चर खेती किसानी पर। मेरा नाम है अविनाश। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको करेले की एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देने वाली उन्नत किस्म के बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, करेला एक ऐसी फसल है जिसकी खेती में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लगभग हर सीजन में मार्केट में करेले की डिमांड बनी रहती है, इसलिए सही वैरायटी का चयन करके लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा हो सके। मार्केट में बहुत सी वैरायटियां उपलब्ध है, पर अच्छे पैदावार देने के साथ साथ लंबा चलने वाले वैरायटियों में से एक है BNR कंपनी की NT77, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त पैदावार देने वाली वैरायटी है। NT77 करेले के फल गहरे हरे रंग के और चमकदार होते हैं। इसके फलों का आकार लंबी धुरी वाली होती है। फलों की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रहता है एवं फलों का चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर रहता है, और फलों का वजन लगभग 130 से 150 ग्राम तक होता है। देखने में भी यह काफी सुंदर लगते हैं। फलों की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मिलता है, जिससे इसे मार्केट में बेचते समय हमें इसका रेट भी अधिक मिलता है। किसान भाइयों, NT77 करेला बहुत ही जल्दी फल देने वाला वैरायटी है। इस करेले को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में दिसंबर से लेके मार्च तक और जुलाई से लेके अगस्त तक दोनों समय में लगाया जाता है। दिसंबर जनवरी में थोड़ा अधिक समय लगता है पहला हार्वेस्टिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड काफी होता है, इसलिए लगभग 55 से 60 दिन का समय लग जाता है। और यदि हम इसे जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी पहला हार्वेस्टिंग हमें इसमें देखने को मिलता है। लगभग 35 से 40 दिन के भीतर ही इसमें हमें पहला हार्वेस्टिंग मिल जाता है। इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि जहां दूसरी वैरायटियों में एक तुड़ाई से दूसरी तुड़ाई के बीच 6 से 7 दिन का अंतर होता है, वही इस वैरायटी में 3 से 4 दिन के भीतर ही हमें एक तुड़ाई से दूसरी तुड़ाई मिल जाती है। इस वैरायटी से हमें दूसरी वैरायटी की अपेक्षा अधिक तुड़ाई भी मिलती है, और हमारा प्रॉफिट भी बहुत अधिक होता है। अगर आप करेले की खेती करना चाहते हैं तो इस वैरायटी को लगाकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।